हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बड़े अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी चीज़ें बड़े ही अच्छे से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग रहने वाली है लीब्रा सोल ट्राइब के बारे में, यानी कि लीब्रा सोल ट्राइब की एक लव रीडिंग है। साइकोलॉजिकल सेंस में एक रीडिंग है कि उनकी इमोशनल एस्पेक्ट क्या है, उनके इमोशंस की रीडिंग है, किस तरह का इमोशंस वो कैरी करते हैं अपने पार्टनर के लिए, किस तरह का इमोशंस उनका पार्टनर कैरी करता है। तो ये एक डिटेल्ड लव रीडिंग है कि किस तरह का एनर्जी और ऑरा आपका है रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप। ठीक है, आप लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आप लोग मैरिड हो सकते हैं, आप लोग एक दूसरे के वुड बी हो सकते हैं, आप लोग कैजुअल रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आप लिव इन रिलेशनशिप में हो सकते हैं। तो कोई भी आपका रिलेशनशिप का एस्पेक्ट हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को मन में रख के जो भी आपका केस है पर्टिकुलर, उसके रिगार्डिंग आप वीडियो को देखिएगा। और हो सकता है वीडियो की हर एक चीज़ ना आप लोगों से रेजोनेट भी ना करे, आपकी कहानी से मिलती जुलती ना हो, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे कभी भी देख सकते हैं। जब भी आप इसको देखेंगे, जब भी ये रीडिंग आपके सामने आए, इट मींस उस टाइम पे आप इससे रेजोनेट करने की कोशिश करें। ठीक है, ये उस टाइम पे आपकी करंट एनर्जी और करंट फीलिंग के बारे में बताएगी। सो ये कार्ड्स आपके हैं, ये आपके बारे में बताएंगे। और यहाँ पे हम कार्ड्स ले रहे हैं आपके पार्टनर के कि उनका एनर्जी क्या है, वो कितने अफेक्शनेट हैं, या उनका रिलेशनशिप में किस तरह का रेसिप्रोकेशन है। सो ये सब चीज़ें इन कार्ड से पता चलेगी। ओके, सो ये काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए हैं। नहीं, इनको नहीं लेंगे हम, अगर एक कार्ड आता तो ले सकते थे। सो ये हो गए हैं कार्ड्स, और आपको मैं कार्ड्स दिखाती हूँ। एक कार्ड तो अपने आप ही गिर गया था, और सीधा ही गिर गया था। नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। बहुत ज़्यादा गार्डेड अप हैं आप लीब्रा सोल ट्राइब, बहुत ज़्यादा गार्डेड अप हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, सिचुएशन अच्छी नहीं है आपकी इस रिलेशनशिप में। फोर ऑफ सोर्ड्स, नो, आप अच्छी पोजीशन में नहीं है। स्टार, सेवन, अगेन सेवन, सेवन ही वॉन्ड्स में आया है, सेवन ही सोर्ड्स में आया है, और डेथ का कार्ड आया है। सो सिचुएशन आपकी लव लाइफ में आपके पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी अच्छी नहीं है लीब्रा सोल ट्राइब। सेवन ऑफ सोर्ड्स, सेवन का एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लाइक टू टाइम्स आप में आया है, और यहाँ पे फिर से सेवन, थ्री ऑफ सोर्ड्स। गाइस, आप लोग क्या नो कॉन्टेक्ट में है? फोर ऑफ पेंटिकल्स, लग रहा है मुझे। टू ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, किंग ऑफ कप्स है यहाँ पे, और एट ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। सो यहाँ पे ना वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है, और यहाँ पे सेवन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। तो हो सकता है आप लोगों में से काफ़ी लोगों के बर्थडे, आपके बर्थडे या आपके पार्टनर के बर्थडेज होते हों सेवन को, 16 को, या फिर 25th को। ये तीन डेट्स हो सकती हैं, मंथ कोई भी हो सकता है। ये बर्थडेज आप लोगों के भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर्स के भी हो सकते हैं, आप दोनों के भी हो सकते हैं। 7, 16, 25, क्योंकि सेवन का एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे गाइस क्लियर लग रहा है आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत डाउन है। रिसेंटली आपका कोई झगड़ा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई मिसकम्युनिकेशन, कोई इस तरह की चीज़ हुई हुई है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा डिसहार्टन्ड हैं। आपने कुछ ऐसा किया है, आपने कुछ ऐसा कहा है, कोई बात ऐसी हुई है, कोई इस तरह का झगड़ा झमेला, ठीक है, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे लगा देना, या एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस इस तरह से रखना कि वो बहुत ज़्यादा डिसहार्टन्ड हैं। तो आपकी लव लाइफ में टर्मोइल है। आप हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, आप एक कैजुअल रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, कमिटेड में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर की ये एनर्जी और ये हाल हुआ हुआ है। दिल छलनी छलनी उनका हो गया है आपकी किसी बात से। हो सकता है आप इस चीज़ से अनजान हो कि आपकी एक पर्टिकुलर बात का इम्पैक्ट क्या हुआ है, या कोई डिसीजन आपने लिया हो रिसेंटली कि नहीं, ठीक है, हमें नहीं लग रहा है कि हम साथ में रह पाएंगे, तो हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, या फॉर टाइम बीइंग थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं एक दूसरे से। तो रीज़न कुछ भी हो सकता है, बट आपकी किसी हरकत ने लीब्रा सोल ट्राइब
ये उनका हाल किया है। और थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है तो ये थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट भी है। अब थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हमेशा गाइस ये नहीं होता है कि अगर आपका पार्टनर लड़का है तो वो किसी और लड़की के साथ इन्वॉल्व है, ज़रूरी नहीं है। और अगर आपकी पार्टनर लड़की है तो वो किसी और लड़के को डेट कर रही है, नहीं ऐसा नहीं है। थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है। बहुत बार तो हमारा काम, जैसे कि एक वाइफ है तो कोई काम उनके हस्बैंड करते हैं, ठीक है, काम तो करना ही पड़ेगा, जॉब करनी पड़ेगी, लेकिन वो जॉब में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएं और वाइफ पे ध्यान ना दें तो वो जॉब भी थर्ड पार्टी बन जाती है वहाँ पे। और कोई भी रिलेटिव भी थर्ड पार्टी बन सकता है, इन लॉज थर्ड पार्टी बन जाते हैं बहुत बार, बच्चे थर्ड पार्टी बन जाते हैं बहुत बार, क्योंकि शादी के बाद बहुत सारे लोगों का ये भी होता है कि ज़्यादा ध्यान, बहुत ज़्यादा ध्यान बच्चों पर देने लगते हैं और नोइंगली और अननोइंगली पार्टनर को इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो जो भी है, जैसा भी है, वो आपका एक पर्टिकुलर केस होगा। मैंने सारे केस थर्ड पार्टी वाले आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं कि कोई इन्वॉल्वमेंट है, कहीं आप अपना जो फोकस और एनर्जी है जितना आपके पार्टनर को देना चाहिए उतना आप उनको दे नहीं रहे हैं, और या फिर कोई और झगड़ा झमेला आप लोगों का हुआ है, वो बैडली हर्ट हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट है। जब कोई इंसान हद से ज़्यादा हर्ट होता है तब ये कार्ड आता है। और यहाँ मैंने इसी कार्ड से आप लोगों की एनर्जी देख ली थी, ये आपकी एनर्जी है, ये उनकी एनर्जी है, आप ना बिल्कुल तनके खड़े हुए हैं। एक रिलेशनशिप में होता है ना कि रिलेशनशिप चलती है अंडरस्टैंडिंग से, फ्लेक्सिबिलिटी से, तो थोड़ा फ्लेक्सिबल नेचर नहीं हुआ हुआ है किसी चीज़ को लेके, ना एक इंसान अड़ जाता है ना किसी चीज़ पे कि नहीं ऐसे ही ऐसे ही, तो कुछ अड़ गए हैं आप किसी चीज़ पे, शायद उसी वजह से कोई झगड़ा हुआ है, आप कुछ और देखना नहीं चाहते हैं तो कुछ बहुत ज़्यादा, या आप भी काफ़ी फ्रंट पे यहाँ पे लड़ रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि आप भी काफ़ी फ्रंट पे यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों से लड़ रहे हैं और किसी एक चीज़ पे अड़ गए हैं। और ये भी हो सकता है कि आप शादी की बात कर रहे हों घर में और घर वाले सारे आपके खिलाफ हो गए हों और आपने इनको जवाब दे दिया हो, ये भी हो सकता है फॉर टाइम बीइंग। और आप भी काफ़ी यहाँ पे गार्डेड अप हैं, तने हुए हैं, फ्लेक्सिबल नहीं है, आपका अप्रोच भी यहाँ पे ना फ्लेक्सिबल मुझे लग नहीं रहा है। थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आपको लाने की ज़रूरत है। और आपके ना आपके और भी कार्ड्स मुझे बता रहे हैं यहाँ पे लीब्रा सोल ट्राइब की, शायद आपको ना अपने घर में, अपने जॉब पे, अपने हर जगह लड़ना पड़ रहा है शायद इस रिश्ते के लिए, ना कोई भी राजी नहीं है आपके घर पे, ना आप मना नहीं पा रहे हैं, आपको मनाना बहुत मुश्किल लग रहा है, पेरेंट्स को कन्विंस करना, रिलेटिव्स को, जब भी बात चलती है कोई तो आपको बहुत लड़ना पड़ रहा है। दो दो कार्ड आए हैं, नाइन ऑफ वंड्स भी एक यही कार्ड होता है कि लड़ाई का कार्ड होता है थोड़ा सा, और ये भी थोड़ा लड़ाई का ही कार्ड होता है। देखिए इसकी हालत क्या हुई हुई है, ये आपकी हालत है फिलहाल इस रिश्ते को लेके ना, जो घर में जो बात हुई है, समाज में जो बात है, तो इस तरह से आप ना आपके खिलाफ, जैसे कहते हैं जमाना बिल्कुल ही खिलाफ हो जाता है, एक साथ डंडे लेके खड़े हो जाना, तो वो हाल है। और आप बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी ताकत के साथ लड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनके साथ, अड़े हुए हैं अपने पर्सपेक्टिव पे, बट काफ़ी कुछ आप भी थक गए हैं, टूट गए हैं, मतलब एक इंसान टूटने लगता है ना, थक जाता है कि अब नहीं हो रहा है मुझसे, मैं कितना कन्विंस करूँ, मैं कैसे करूँ। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें ना, ये चीज़ें आपकी रिलेशनशिप पे हावी हो रही हैं, ये सब चीज़ें, ये सब लोग, ये सब चीज़ें, अफवाहें और इस तरह की चीज़ें कि घर वाले मान नहीं रहे हैं और आप भी काफ़ी नेगेटिव हो गए हैं फॉर टाइम बीइंग, और काफ़ी कड़वा सा हो जाता है ना एक इंसान, काफ़ी कड़वा फॉर टाइम बीइंग कि ठीक है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो उसमें शायद आपने अपने पार्टनर को कुछ ऐसा जवाब दे दिया है, कुछ ऐसी बात कह दी है कि आपने उनका भी फॉर टाइम बीइंग बहुत दिल दुखा दिया है। और यहाँ पे ना ये कार्ड देखो, दोनों में रिपीट हुआ है, ये दो कार्ड अलग अलग डेक से दो लोगों के लिए हमने कार्ड निकाले तो दोनों की एनर्जी से एक ही कार्ड आया है, सेवन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है ना। यहाँ पे भी एक चोर है, यहाँ पे भी एक चोर है, तो कहीं ना कहीं कोई इंसान है, कोई थर्ड पार्टी आप दोनों की लाइफ में इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं है कि इनकी ही लाइफ में, आपके भी कुछ ऐसे फ्रेंड्स हो सकते हैं जो इस रिश्ते से खुश ना हो, आपके भी कुछ लोग हैं घर में, रिश्तेदार और कोई भी नियर एंड डियर वंस जिन पे आप भरोसा करते हैं, ये दोनों कार्ड होते हैं जिन पे आप भरोसा करते हैं आंख बंद करके, उनमें से ही कोई इंसान एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस रिश्ते को ख़राब कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा करवा रहे हैं। और ये आपकी गुड बुक्स में हैं ये लोग, और ये आस्तीन के सांप हैं, और ये चोर हैं, और ये किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इनके पास अपना भी काफ़ी कुछ है लेकिन दूसरों का भी सब कुछ चुरा लेना चाहते हैं, ये चाहते हैं सब कुछ इनके पास हो, बाकी किसी के पास
कुछ भी ना हो, तो ये आपके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों साइड हैं ये लोग, ये कॉमन फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ये कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको कहें कि हाँ हम सब कुछ ठीक करा देंगे, हम घर में बात करेंगे, लेकिन कुछ और ही बात बना के पेश कर देते हैं। तो ढेर सारा ना धोखेबाजी वाला एस्पेक्ट है आप लोगों के आसपास, धोखेबाज लोग बहुत हैं। आप दोनों की लाइफ में, आप दोनों ने धोखेबाज लोगों को अपनी लाइफ में एक्सेस दी हुई है, और हो सकता है, मुझे बहुत बहुत तगड़े वाला वाइब आ रहा है यहाँ पे ना, कि आप दोनों के ना कुछ खास दोस्त हैं, इनका कोई खास दोस्त हो सकता है, आपकी कोई खास सहेली हो सकती है, जो कोई खास खुश नहीं है इस रिश्ते से, और ये एज अ थर्ड पार्टी भी काम कर देते हैं बीच बीच में, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि रिश्ता फले फूले। तो ढेर सारा नेगेटिव एस्पेक्ट आपके ना लव लाइफ में चल रहा है, हालांकि आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, साथ रहना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग मैरिड हैं, और जो लोग मैरिड हैं उनके केस में भी है कि कुछ लोग हैं वो घर वाले ही होते हैं 90% टाइम। तो कुछ इस तरह का एस्पेक्ट है कि बहुत नेगेटिविटी चल रही है, बहुत हाई लेवल का पॉलिटिक्स है जो आपकी समझ से बाहर है, आपको समझ नहीं आएगा इतना इजीली, इतना साफ साफ आप लोगों को समझ नहीं आएगा, क्योंकि पॉलिटिक्स बोलते ही उसे हैं जो बिल्कुल साफ साफ समझ ना आए, कहा कुछ जाए किया कुछ जाए, ठीक है, कहा कुछ जाए चाहा कुछ जाए और हो कुछ और ही जाए, इसे ही बोलते हैं पॉलिटिक्स। तो ये हाई लेवल का है गाइज, आपने अपने रिश्ते को बचाना है अगर, तो आपको बहुत बहुत यहाँ पे वाइज बनना पड़ेगा, और वाइज आपको बनना पड़ेगा, थोड़ी हिम्मत आपको दिखानी पड़ेगी। अब यहाँ पे आपके लिए क्या है, क्योंकि आपकी सिचुएशन तो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा है, इतना ज़्यादा यहाँ पे हाइटन ड्रामा हुआ हुआ है, हो सकता है आपके घर में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, ठीक है, हो सकता है आप लोगों की आपस में बातचीत बंद हो, आपके घर में आपके घर वालों से थोड़े टाइम के लिए बातचीत बंद हो, मन मुटाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो। तो आपके केस में यहाँ पे है, देखिए ये कार्ड भी बता रहा है फोर ऑफ सोर्ड्स का, कि ढेर सारे लोग हैं, नज़र लगी हुई है रिश्ते को ना, नज़र लगी हुई, इवल आई है आपके आसपास। और मैंने जो पिक किया है ना यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम दी कार्ड्स, ये कहीं ना कहीं आप दोनों के केस में आप दोनों के बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं, एक सहेली जिसको आप अपने मन की हर बात बताते हो, एक दोस्त जिसको ये इंसान हर बात अपनी बताता है, और वो ही कहीं ना कहीं रिश्ते में जहर घोलता है अलग अलग तरीकों से। तो ढेर सारे लोग इन्वॉल्व है यहाँ पे, एक दो लोग नहीं है यहाँ पे, थर्ड पार्टी काफी सारे लोग हैं, और नजर लगी हुई है, इवल आई है आपकी, आपका जो रिश्ता है ना वो फूटी आंख सुहा नहीं रहा है किसी को भी, मतलब किसी को भी फिलहाल। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एक छोटी सी गाइडेंस है कि जब सिचुएशन इतनी ख़राब होती है ना कि हमें 24 घंटे चुकन्ना रहना पड़ता है और हर फ्रंट पे लड़ना पड़ता है, क्योंकि आप ना एक फ्रंट पे लड़ सकते हो, आप हर एक फ्रंट पे नहीं लड़ सकते हो एक साथ, और आपको यहाँ पे ना हर फ्रंट पे लड़ना पड़ रहा है, ठीक है। तो फोर टाइम बींग क्या होता है कि भगवान पे छोड़ देना सबसे अच्छा ऑप्शन होता है, जब हम भगवान पे छोड़ते हैं हमें क्लैरिटी मिलती है कि हम कहाँ हैं, हम क्या हैं, हम क्या चाह रहे हैं, उसको चाहने के बाद हमें वो मिल जाए तो कैसा रहेगा, उसके प्रोस क्या हैं, उसके कॉन्स क्या हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना ये क्लैरिटी ऑफ माइंड होना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, और जब ये आँख बंद करके कहीं ना कहीं भगवान पे छोड़ेंगे, चाहे प्रेयर करें, चाहे मेडिटेशन करें, चाहे पूजा करें, चाहे भगवान से मांगे अपने लिए कि मुझे ये पार्टनर चाहिए, तो कहीं ना कहीं क्लैरिटी आएगी इन लोगों की आप लोगों को, जो आप जनरली इनको नहीं पकड़ पाएंगे, ठीक है, जो चोर हैं, जो रिश्ता चुरा रहे हैं, रिश्ते को जो ख़राब कर रहे हैं कहीं ना, तो इन लोगों को आप यहाँ पे क्लैरिटी आएगी जब आप इस तरह से देखोगे, अदरवाइज लाइफ लॉन्ग ही आपके साथ रहेंगे, आपके रिश्तों को ख़राब करेंगे और आप इनको पकड़ नहीं पाएंगे। तो थोड़ा सा सरेंडर की फॉर्म में आप लोगों को जाने की ज़रूरत है यहाँ पे। और यहाँ पे एक कार्ड ये भी आया है कि टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो आपके पार्टनर है ना गाइज, वो आपको जैसा मर्जी लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि आपको ये भी लग सकता है उनके बारे में, क्योंकि ऐसा है कि वो ना डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं पक्के वाली, ठीक है, और मतलब साफ साफ नहीं कर रहे हैं, ना रिश्ते को आगे बढ़ा रहे हैं, ना पीछे हट रहे हैं, ना ख़त्म कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बीच मझधार से में आप दोनों फंसे हुए मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, ना क्लैरिटी उनको है, ना क्लैरिटी आपको आ पा रही है, ठीक है। आपको काफ़ी उनके लिए जो है, जैसे कहते हैं ना, एक समाज में एक डिफेमेशन हो जाती है, नाम खराब सा हो जाता है, ठीक है ना, अपने ही परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, चार लोगों में, तो आप काफ़ी डिफेमेशन झेल रहे हैं उनकी वजह से, और वो आपको कमिटमेंट दे नहीं रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने ना मन बनाया है, मन बना रहे हैं, वो बहुत सोच रहे हैं कि हाँ कमिटमेंट देनी है उन्होंने आपको, देंगे, डेफिनेटली देंगे, उनके अपने चैलेंजेस हैं, वो अपने चैलेंजेस में कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं, आपने कुछ उनको ऐसा कहा है, आपके साथ उनकी ऐसी कोई बात हुई है, या हो सकता है आपने ये सोचा हो कि रिश्ते को हम ख़त्म कर लेते हैं, कुछ इस तरह का है कि वो भी बहुत ज़्यादा अभी परेशान है, उनको थोड़ा टाइम दीजिए आप लोग, वो इस चीज़ में से ना, इस दुविधा में से निकल जाएंगे बहुत जल्द, और
और यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे आपकी हालत भी बहुत बुरी है। आपके जो कार्ड्स हैं वो बता रहे हैं कि आप बहुत पेन में हैं, आप बहुत सफरिंग में हैं। इनके जो कार्ड है वो बता रहे हैं कि ये बहुत सफरिंग में हैं। दोनों ही पार्टी इतनी इतनी परेशानी में हैं। और ये डेथ का कार्ड है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। तो जब इंसान इतना कुछ झेलता है ना, और वो थोड़ा सरेंडर करता है भगवान को, जब लाइफ में इतनी प्रॉब्लम हो जाती है कि हमें समझ नहीं आता, तभी हम भगवान के पास जाते हैं कि हे भगवान अब तुम संभाल लो। तो जिस दिन आप ये चीज़ कर देंगे ना कि भगवान अब तुम संभालो, तुम देखो क्या मेरे लिए अच्छा है क्या बुरा है, मेरा बस हो गया, ठीक है, अब मुझसे नहीं संभाला जाता, तो वहीं पर आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, आपका रिश्ता ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर आपकी लाइफ में या आपका नहीं है, क्योंकि हम रिश्ते के बारे में रीडिंग कर रहे हैं, तो आपका रिश्ता ट्रांसफॉर्म हो जाएगा जो भी टॉक्सिक हुआ हुआ है बाकी लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से। बाकी लोगों ने उसमें ना बिल्कुल गंद डाल के रखा हुआ है फिलहाल, तो वो साफ हो जाएगा। और जब एक गंदा पानी होता है और हम चाहें उसको साफ करना, तो क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए ना उस पानी को रख देते हैं, स्टिल उसको हिलाते नहीं हैं, तो वो जो होता है साफ पानी ऊपर आ जाता है, मड नीचे बैठ जाती है। तो यही है आपके लिए गाइडेंस कि अभी आप फॉर टाइम बीइंग शांत हो जाएं और थोड़ा भगवान में अपना मन लगाएं, उनसे थोड़ी सी हिम्मत मांगें, उनसे प्रेयर करें, प्रार्थना करें, पूजा करें, जो भी आपका धर्म है, जो भी आपको अलाउ करता है आपका धर्म करने के लिए वो करें, मंदिर जाएं, भगवान से मन्नत मांगें, ठीक है। और ये आपके रिश्ते को ट्रांसफॉर्म करेंगी, ये सब चीज़ें ना ट्रांसफॉर्म होगा, आपका रिश्ता फॉर श्योर होगा, ठीक है। अगर नहीं होना होता तो इस तरह के कार्ड्स भी नहीं आते यहाँ पे। और यहाँ पे फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया। अब आपके जो पर्सन है, जो आपके पार्टनर हैं, वुड बी पार्टनर हैं या स्टिल आपके पार्टनर हैं, जो आपको अगर जो फ्रस्ट्रेशन होती है कि आपको वो कमिटमेंट नहीं देते हैं, या एक तरफ नहीं कर रहे हैं, या पता नहीं कर रहे हैं कि हाँ शादी करेंगे कि नहीं करेंगे, अगर उस तरह का नहीं है तो वो गाइस फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है उनके माइंड में कहीं ना कहीं। हो सकता है ये फिजिकली हो, रियल में हो, ये चीज़ एग्जिस्ट करती हो कि हाँ भाई शादी करनी है मुझे, बट उससे पहले मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है, अच्छा खासा एक कमाना है, कुछ जमा करना है, ठीक है। क्योंकि शादी के बाद जो लाइफ है ना वो फिर बिल्कुल भी ब्रेक देती नहीं है, शादी के बाद जिम्मेदारियाँ खर्चे सब बढ़ते चले जाते हैं। तो यहाँ पे ना फोर ऑफ पेंटिकल्स है कि उनके मन में ना इनसिक्योरिटी है, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है, थोड़ा सा वो सेट होना चाहते हैं, अपनी जॉब है तो उसको बेटर करना चाहते हैं, बिजनेस है थोड़ा एक्सपेंड करना चाहते हैं, थोड़ा टाइम चाहते हैं, बेसिकली थोड़ा पैसा जोड़ना चाहते हैं, और आपकी ही खुशियों के लिए कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। तो थोड़ा टाइम दें, थोड़ा पेशेंस के साथ चलें, क्योंकि वो इस चीज़ से बाहर निकल जाएंगे। जैसे ही उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी फील होगी वैसे ही वो आपको कमिटमेंट दे देंगे, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं दो राय पे खड़े हैं और वो आपकी ही साइड डिसीजन लेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपको छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, कहीं ना कहीं आपने ऐसा कुछ किया है, आपने कुछ संकेत उनको ऐसे दिए हैं, इस तरह की कोई बात हम कर देते हैं, क्यूज ऐसे दे देते हैं कि सामने वाला बिल्कुल डिसहार्टन हो गया है। तो इसका भी आपने ध्यान देना है, कोई गलती की है, कोई गलत बात कही है तो माफी मांग लेनी है, इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। किसी को इतना परेशान करना भी अच्छी बात नहीं होती है। और यहाँ पे अब आए हैं प्यारे कार्ड, पॉजिटिव कार्ड, जो आपकी लाइफ के फ्यूचर को बताएंगे, जो आपके रिश्ते का फ्यूचर बताएंगे। यहाँ पे एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया। एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ना फुल ऑफ पैशन होता है, यानी कि एक कोई ऐसा डिसीजन लेंगे आपके पार्टनर अपनी लाइफ में, वो लाइफ लाइफ में भी होगा, वो करियर में भी होगा, वो हर चीज़ में होगा, कि ना वो चीज़ें तेजी से होंगी। आप कहेंगे कि हम कई साल से ऐसे ही रह रहे हैं कि चीज़ें ना मतलब स्टैंड बाई पे है, रिश्ता ना स्टैंड बाई पे, अब ये वर्ड याद आ रहा है मेरे को, कि स्टैंड बाई होता है ना कि हाँ बस खड़े हैं, वेट कर रहे हैं एक दूसरे का, बात आगे बढ़ नहीं रही, खत्म भी नहीं हो रही है, खत्म भी नहीं कर पा रहे हैं, छोड़ भी नहीं पा रहे हैं एक दूसरे को, स्टैंड बाई पे हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए। तो यहाँ पे चीज़ें फिर जब होंगी तो बहुत तेजी के साथ होंगी, और शुरुआत आपने करनी है इन लोगों को अपनी लाइफ में से निकालने से। ये सेवन ऑफ सोर्ड्स वाले जो बंदे हैं ना, ये जो मीन बंदे हैं, ये जो बहुत ही बेकार किस्म के लोग आपने पाल रखे हैं ना अपनी लाइफ में, और दोनों की लाइफ में, इनको निकालिए पहले। तो चीज़ें बहुत तेजी से होंगी आप लोगों की लाइफ में, हो सकता है चट मंगनी पट ब्याह होए, फिर हो सकता है कई साल से बाद आगे ना बढ़ रही हो, फिर एकदम से शादी हो जाए, ठीक है। मैरिड कपल में भी हो सकता है कोई चीज़ आपने ऐसी सोच रखी हो कि ये करनी है, ऐसे होना है, ये चाहिए वो चाहिए, तो वो चीज़ें एकदम से सिरे चढ़ जाएं, जैसे कहते हैं रिश्ता एकदम से सिरे चढ़ गया, तो वो चीज़ आपके केस में होगी। चीज़ें जब होंगी तो बहुत तेजी के साथ होंगी, स्विफ्टली होंगी, उसके लिए आपने रेडी रहना है। और यहाँ पे आपकी एनर्जी में आया है स्टार का कार्ड, ठीक है, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज़ है, कोई पॉजिटिव न्यूज़, बैलेंस, इनर बैलेंस, इमोशंस का बैलेंस, हीलिंग, कहीं ना कहीं वाटर वाटर कहीं ना कहीं हीलिंग को और हमारे इमोशंस को भी डिपिक्ट करता है, तो हीलिंग होगी आपकी, डीप हीलिंग, तो डीप हीलिंग होगी आपकी भी, आप भी अपने मन का मैल दूर करेंगे। और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, तो ये आपको कमिटमेंट देंगे फाइनली, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में, कप्स की एनर्जी हमेशा ही लव और इमोशंस और कमिटमेंट्स, इन सब की
की एनर्जी होती है और मैस्कुलिन एनर्जी है यहाँ पे, तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है जो एक डिसीजन वाली हो सकता है, ये लेडी हो आपके केस में, लेकिन एक डिसीजन मेकिंग जो पावर होती है ना वो ये है। तो ये आपके रिश्ते का फ्यूचर है जो कि बहुत अच्छा है, चीज़ें जब होंगी तो बहुत तेज़ी से होंगी। फोर टाइम बींग, एक दूसरे को टाइम देने की ज़रूरत है, एक दूसरे को प्यार से समझने की ज़रूरत है, एक दूसरे के लिए कंपैशनेट रहने की ज़रूरत है। हार्ड टाइम है गाइस, आपके लिए भी, आपके पार्टनर के लिए भी, और जब बुरा वक्त आता है तो हमें अच्छे से टेस्ट करता है यूनिवर्स। एक दूसरे को आपको ग्रांट करने से पहले आपको हर तरह से टेस्ट करेगा कि आप एक दूसरे के लायक भी हैं कि नहीं, तो हर टेस्ट में से आपने पास होना है। एक दूसरे का साथ देना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक दूसरे पे विश्वास रखना है, ठीक है। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखना है, क्योंकि आप लोगों के कार्ड्स ना वाकई में थोड़े से ट्रबलसम हैं, और मुझे आप लोगों का थोड़ा सा रहता है कि आप लोग ठीक रहें, अच्छा फील करें। तो यहाँ पे आप मुझे बताना किस किस चीज़ से आपने कैसे कैसे कहाँ कहाँ कैसे रेजोनेट किया, और लाइक कीजिएगा रीडिंग को लाइक माइंडेड पीपल के साथ, यानी कि बाकी लिब्रा सोल ट्राइब के साथ इसको शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं अगर सारी वीडियोस प्रायोरिटी पे देखना चाहते हैं, और सब्सक्राइब तो बहुत ज़रूर से करिएगा मेरे चैनल को। जब आप सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, आपके कमेंट्स में पढ़ती हूँ, तो मैं आपसे कनेक्ट करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, और आप जोड़ियक की रीडिंग्स मेरी इतनी पसंद कर रहे हैं, सो तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और अगर आप कोई हैं जो मुझसे किसी सब्जेक्ट पे, किसी चीज़ पे क्लैरिटी चाहते हैं, तो मेरी पेड कंसल्टेशंस होती हैं, हाँ वो फ्री नहीं होती हैं, पेड कंसल्टेशंस होती हैं, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में एक मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे व्हाट्सएप करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए, गॉड ब्लेस यू ऑल।